लो भी दोस्तों आपां जिहड़ा हैगा राजस्थान दी यात्रा शुरू करदे आ जैसलमेल उदूगा होर माउंट आबू ते होर पासे ते सब तो पहला दिखाउणा सानू मैं जिहड़ा ढाबा उहते आउणे आ पहला थोड़ा मोटा बाहर देख रहे की आ ठीक है अंदरों ट्रकां वाले भरा रोकदे आ ते क्योंकि चारे पासे झाड़ियां जिहां ते हुण इक ढाबा लभिया ते ढाबे च दिखाउणा इन्हां दा मंजा देखणा वाला असल च जिहड़ा सिस्टम है ना ये बंदा साडा बाहरों आया सीगा कहिंदा मैं बर्फ च रहिंदा ते कहिंदा रेते च घोलना जी आ के तां करके फिर हुण जिहड़ा हैगा इहनूं रेता दिखाउण आए आ ते मंजा जिहड़ा लोहे दा तेरे यारां दा ते उहतों बिना जे देखा जावे तां इहदे उत्ते की आ इह बाल्टी च दिंदा तेरे यार पाणी ते नाल गलास है ठंड च ठंडा ना लगे बैठने वाले बंदे ठंड ना लगे अच्छा रोटी खा सके रात को बहुत पैंदी है बहुत पैंदी है ये सही है ठंडा बहुत ज्यादा होता है वैसे पिछले साल नालों ठंड ऐसी अजे घट है पर राजस्थान की ठंड है वो पंजाब नालों बहुत ही ज्यादा ठंड है भैड़ी ठंड कह लो खुश हवा ठंड है खुश ठंड होती है हाथ खोल जो पैर पाड़ते हैं ठंड ना पाड़ते ठीक है जो मैं दस्या बी भाई जरा ये मंजा है लोहे का बोरिया के उ लंघ तो पानी फिर बाल्टी ए क्यों आई पानी भाई खुला पानी है मतलब राजस्थान जिन्ना मर्जी वर्त फिल्टर वाला नहीं चलता इधर नहीं जी नहर जी अपनी नर्मदा नहर आँदी है जी नहर पता नहीं किन्ना शायद नर्मदा ही बोलते हैं भी पानी वधिया फिल्टर तो भी चंगा पानी है ताजा पानी होंदा कहिंदा मतलब ये है भी नहर नहरी पानी है कोई कलर वाला कोई शोर वाला पानी नहीं है मतलब इधर राजस्थान का जरा पक के नहरी पानी जहाँ पक के जरा ਉਹ ਪੀਣ ਯੋਗ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖੋ ਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਂਡੇ 8000 ਬਲੇਟੀ ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਕੀ ਹੈਗੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸੇਬ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੁਜੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਚਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰਾ ਲਈਦਾ ਆਦ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਲੱਗੇ ਵੇਸਣ ਗੱਟਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਸਣ ਗੱਟਾ ਤੇ ਸੇਬ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੇਸਣ ਗੱਟਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਸਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਡੂ ਨੂੰ ਗੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਡੂ ਨੂੰ ਗੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰ ਸਿੰਪਲ ਕੰਮ ਹੈ।